नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान पर अपना पुराना अधिकार जमाने के लिए नई चाल चली है। उसने राजनीतिक संप्रभुता और आर्थिक विकास का स्वांग रचकर अपनी जड़ें जमाने की कोशिशें तेज कर दी है। इसी चालबाजी के तहत पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारतीय क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान पर अपने अवैध कब्जे को वाजिब और संवैधानिक ठहराने के लिए पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 56 की धारा 5 का विस्तार क्षेत्र बढ़ाने वाले एक संशोधन आदेश 2020 को जारी किया। यह अनुच्छेद पाकिस्तान के चुनाव कराने के दायरे को बढ़ाता है। इस संशोधन के जरिए इस क्षेत्र में आम चुनाव किए जाने हैं और कब्जे वाले क्षेत्र में पाकिस्तान की अंतरिम सरकार का गठन होना है। इससे पहले गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 में इतने प्रावधान नहीं थे। इसके चलते वहां आम चुनाव कराकर अंतरिम सरकार नहीं बनाई जा सकती थी। इस क्षेत्र में मौजूदा समय में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सरकार है, जिसका कार्यकाल 26 जून को खत्म हो रहा है। परंतु अब पाकिस्तान के सामने संयुक्त राष्ट्र एक बड़ा रोड़ा बन गया है। यूएन ने कहा है कि प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में सीधा दखल नहीं दे सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह इस मामले में दखलंदाजी करे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे विवादित क्षेत्र घोषित किया है। खास बात यह है कि यूएन ने यह स्मरण भी दिलाया है कि उसने पाकिस्तान को इस क्षेत्र से सेना हटाने को कहा था, लेकिन अब पाकिस्तान इस क्षेत्र में चुनाव कराकर सरकार का गठन करके संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का बड़ा उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान जिस सिंधु नदी पर द आमेर बासा बांध का निर्माण कर रहा है, उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। यह भूमि भारत की है और पाकिस्तान द्वारा उठाया गया कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध है। यानी अब पाकिस्तान चौतरफा घिरना शुरू हो चुका है। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। भारत किसी भी हाल में गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव नहीं होने देना चाहेगा। भारत इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि पाक राष्ट्रपति अलवी ने जिस संविधान संशोधन को भारत के क्षेत्र पर लागू करने की चाल चली है, वह भारत के दावे को काफी हद तक प्रभावहीन कर सकता है और परोक्ष रूप से पाकिस्तान का कब्जा भी हो सकता है। इसके लिए मोदी सरकार ने अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी है। अगर पाकिस्तान ने कूटनीतिक दबाव में अपना फैसला वापस नहीं लिया तो भारत के सामने कोई ठोस कदम उठाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहेगा। इन हालातों में दोनों मुल्कों के बीच मामला संघर्ष तक पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार भारत अगर पाकिस्तान को चुनाव कराने से रोकता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी नहीं होगा। यह क्षेत्र दोनों देश के बीच का विवादित मुद्दा है। जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता, कोई भी पक्ष इसमें अपने नियम कानूनों को नहीं थोप सकता है। पाकिस्तान के इस कदम को भारत इसे पाक के कब्जे की कार्रवाई मान रहा है, जिसके प्रत्युत्तर में भारत के कठोर कदमों को नाजायज तो बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता है। पर मामला यहां तक नहीं है। भारत एक साथ दो विकल्पों पर काम कर रहा है। उसने अपने डिप्लोमेटिक चैनल को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है, ताकि पाकिस्तान पर दबाव की रणनीति तैयार की जा सके। इसके साथ ही भारत ने सैनिक तैयारियों को जांचना परखना भी शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने सीमा के आसपास साजो सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। यहां 2 से 3 चिनूक हेलीकॉप्टर रात दिन अपने मिशन में लगे हुए हैं। यह बात पाकिस्तान भी स्वीकार कर चुका है कि भारत सीमा के नजदीक सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है। दरअसल भारत ऐसा करके पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। यह पाकिस्तान को चेतावनी भी है कि यदि वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वैसे भी कोरोना महासंकट की वजह से पाकिस्तान जंग के लिए तैयार नहीं है। उसकी हालत खस्ता हाल हो चुकी है और खजाना लगभग खाली है। चीन से भी मदद की कोई उम्मीद नहीं है। चीन खुद ही अमेरिका के निशाने पर आया हुआ है। इसलिए पाकिस्तान यह कभी नहीं चाहेगा कि उसे भारत के गुस्से का शिकार होना पड़े। मगर बावजूद इसके भारत ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने पाक सरकार को भारत का संदेश भिजवा दिया है, जिसके बाद से इमरान खान की घबराहट कई गुना बढ़ गई है। खासतौर से पिछले 3 दिनों से बॉर्डर पर जिस तरह हलचल बढ़ी है, उसने इमरान की नींद उड़ाकर रख दी है। शायद यही वजह है कि वह दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए मोदी विरोधी और कश्मीर पर ट्वीट कर रहे हैं। पर इमरान का कोई भी एक गलत कदम पाकिस्तान की बर्बादी का कारण जरूर बन सकता है। इसलिए यहां मुजफ्फराबाद हासिल करने की बजाय भारत से उसे बचाने के हिलाले पड़ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के बयान के बाद तो पाकिस्तान की हालत और भी खराब हो चुकी है। यानी पाकिस्तान की बर्बादी का वक्त आ गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।